हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड सेफ सो स्टूडेंट्स अपने आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास फिफ्थ साइंस का चैप्टर थ्री तो आप सभी अपने साइंस की बुक्स अपने साथ रखें ताकि आप भी मेरे साथ अपने चैप्टर को रीड कर सकें और चैप्टर को अच्छी तरह समझ सकें चैप्टर थ्री द गेम्स एंड द स्पोर्ट्स यानी ये चैप्टर जो है वो गेम्स के आ, से रिलेटेड चैप्टर है चलिए अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करें टुडेज गेम्स देयर आर मैनी गेम्स वी कैन मेंटेन अ गुड हेल्थ बाय प्लेइंग गेम्स रेगुलरली आज के टाइम पे बहुत सारी गेम्स जो हैं वो खेली जाती हैं और गेम्स के थ्रू यानी रोज गेम खेलकर अपने आप को एक्टिव रखकर हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं गेम्स आल्सो टीच अस द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप एंड डेवलप पेशेंस एंड करेज इन अस गेम्स जो हैं वो हमारे अंदर एक अच्छे स्पोर्ट्स मैन की क्वालिटी को डेवलप करवाती है और साथ ही साथ हमारे अंदर पेशेंस और करेज यानी हमारा जो करेज कहते हैं साहस को और पेशेंस कहते हैं हमारा जो संयम होता है ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर डेवलप कराती हैं चलिए पढ़ते हैं अलग अलग तरह की गेम्स के बारे में हेल्थ इज़ वेल्थ इज एन ओल्ड सेइंग स्वास्थ्य ही धन होता है ये एक बहुत पुरानी कहावत है गेम्स आर वेरी इजेंशियल फॉर गुड हेल्थ गेम्स अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक हैं पीपल हु प्ले गेम्स रेगुलरली कैन मेंटेन अ गुड हेल्थ जो लोग रेगुलरली कोई ना कोई गेम्स खेलते रहते हैं वो स्वस्थ होते हैं गेम्स ऑल्सो टीच द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप बोथ विनर बिकॉज बोथ द विनर एंड द लूजर इजॉय प्लेइंग द गेम गेम्स हमें स्पोर्ट्समैनशिप की भी एक हमारे अंदर डेवलप करती है अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप क्योंकि खेलने के बाद कोई जीते या कोई भी हारे खेल कर सभी को अच्छा लगता है गेम्स टीच एज द स्पिरिट ऑफ पेशेंस एंड करेज गेम से हमें साहस और संयम भी सीखने को मिलता है दे ऑल्सो इंस्टिल इन द प्लेयर्स द स्पिरिट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस गेम्स की वजह से जो उसके खिलाड़ी हैं उसके अंदर एक आत्मविश्वास की भावना डिसिप्लिन जस्टिस एंड फेयर प्ले डिसिप्लिन सीखते हैं हम उससे हम उससे जस्टिस यानी न्याय करना और सही उचित खेल मतलब हम उसमें चीटिंग ना करें ये भी गेम हमें करना सिखाते हैं अब फिजिकल एक्टिविटी दैट इज़ गवर्न बाय अ सेट ऑफ रूल्स एंड ऑफ एन अंडरटेकिंग कॉम्पिटिटिवली कॉल्ड अ स्पोर्ट अब स्पोर्ट किसे कहते हैं कोई भी ऐसे फिजिकल एक्टिविटी जिसे रूल्स के हिसाब से खेला जाए और उसमें एक कंपटीशन होता है दो टीम्स के बीच में ऐसे गेम्स को हम क्या कहते हैं स्पोर्ट्स टाइप्स ऑफ गेम्स देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ गेम दो तरह के गेम्स होते हैं इंडिविजुअल गेम्स एंड टीम गेम्स इंडिविजुअल यानी अकेले खेले जाने वाले और टीम गेम्स जिसमें पूरी टीम की ज़रूरत होती है और इसको हम और किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं कि क्या इन्हें घर के अंदर खेला जा रहा है या खुले मैदान में तो इनडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स भी होते हैं इनडोर गेम्स जो कि घर पर हम खेल सकते हैं जैसे कि चेस और सांप सीढ़ी लूडो कैरम ये सारी इनडोर गेम्स का पार्ट है आउटडोर गेम्स जिसमें हमें घर से बाहर निकलकर और खुले मैदान में इन गेम्स को खेलना होता है ऐसे गेम्स होते हैं आउटडोर गेम्स जैसे क्रिकेट Hockey, tennis, basketball. Okay? Games played at home are called indoor games. A few examples of indoor games are chess, snakes and ladders, carom, and ludo. Outdoor games, we play games such as cricket, hockey, tennis, and basketball outside our homes. These games are played in open grounds, courts, and stadiums. They are called outdoor games. आउटडोर गेम्स खुले मैदान बड़े स्टेडियम्स में खेले जाते हैं ठीक है फिर इंडिविजुअल गेम्स मैनी गेम्स आर प्लेड ऑल बाई वन सेल्फ बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसे हम अकेले भी खेल सकते हैं ऐसे गेम्स को इंडिविजुअल गेम्स बोला जाता है जैसे स्विमिंग आप अकेले कर सकते हैं एथलेटिक्स साइकिलिंग जिमनास्ट स्केटिंग एंड गोल्फ ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंडिविजुअल गेम्स के टीम गेम मैनी गेम्स आर प्लेड इन ग्रुप्स बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिन्हें ग्रुप में ही खेला जाता है ऐसे गेम्स दो टीमों के बीच में खेले जाते हैं नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच टीम वेरीज फ्रॉम गेम टू गेम एक टीम में कितने खिलाड़ी होंगे इनकी संख्या जो है वो अलग अलग गेम्स में अलग अलग होती है ठीक है आ, कुछ इन गेम के एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं क्रिकेट हॉकी वॉलीबॉल एंड फुटबॉल ये सारे कौन से गेम्स हैं टीम गेम्स टीम स्पिरिट वर्किंग टुगेदर एज टू अचीव अ कॉमन गोल इज कॉल्ड टीम स्पिरिट एक होती है टीम स्पिरिट टीम स्पिरिट बोला जाता है कि साथ में काम करते हुए किसी एक कॉमन गोल को अचीव करना जैसे क्रिकेट में एक टीम के सभी खिलाड़ी अपनी टीम को जिताने के लिए जो है वो अधिक से अधिक प्रयास करते हैं तो इसे बोला जाता है टीम स्पिरिट टीम स्पिरिट इज़ द फीलिंग ऑफ प्राइड एंड लॉयलिटी दैट एग्जिस्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ टीम एंड दैट मेक देम डू वेल और गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर द टीम टीम स्पिरिट एक ऐसी फीलिंग है जिससे हमें गर्व होता है और हमें आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास बनाए रखना होता है ताकि हम सब मिलजुल कर अपनी टीम को जिता सकें और हम अच्छे से अच्छा प्रदर्शन दिखाएं ताकि हमारी टीम जो है गेम को जीत सके ईच टीम इज लीड बाय द टीम लीडर कॉल कैप्टन हर टीम का एक लीडर होता है जिसे कहा जाता है कैप्टन कैप्टन या टीम लीडर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी टीम को डेवलप कराने में और उन्हें एनकरेजमेंट देने में यानी उनका साहस बढ़ाने में हिज जॉब इज़ नॉट ओनली टू एंश्योर अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ हिस टीम बट ऑल्सो टू इंश्योर दैट द टीम स्पिरिट एंड मोरल्स ऑफ हिस टीम आर कैप्ट उसका काम सिर्फ अपनी टीम के हाई स्टैंडर्ड सेट करना ही नहीं साथ ही साथ सभी खिलाड़ियों में एक अच्छी टीम स्पिरिट डेवलप करना और अपने खिलाड़ियों का जो मोरल है उसको भी हाई रखना यानी उनकी खिलाड़ियों के बीच आपस में अच्छा सामंजस्य होना चाहिए और खिलाड़ी आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें ये बहुत जरूरी है एक टीम के लिए कुछ मेन कैरेक्टर्स टीम लीडर के यहां हमें दिए गए हैं ही नीड्स टू हैव एबिलिटी टू इंस्पायर टीम सबसे सबसे पहले एक कैप्टन के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी टीम को बार बार इंस्पायर कर सके, उन्हें खेलने के लिए और साथ ही साथ जीतने के लिए प्रेरणा दे सके ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड डिपेंडेबल वो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान होना चाहिए और उसको सभी को साथ लेकर चलना आना चाहिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द टीम लीडर कैन रिकोगगनाइज़ एंड एक्नोलेज द कॉन्ट्रीब्यूशन एंड आइडियाज़ ऑफ हिस टीम मेम्बर और टीम में कैप्टन होने के कारण ये नहीं कि सिर्फ वो अपनी ही चलाए उसे अपने टीम के सभी मेंबर्स की बात सुननी चाहिए और सभी को इम्पोर्टेंस देनी जरूरी है पॉपुलर टीम्स कुछ पॉपुलर टीम्स ऑल कंट्रीज पार्टिसिपेट इन वन और अदर गेम्स सभी कंट्रीज किसी न किसी खेल में पार्टिसिपेट करती हैं दे हैव एन इंडिविजुअल टीम फॉर मेनी स्पोर्ट्स एट इंटरनेशनल लेवल बहुत सारे इंडिविजुअल टीम्स जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर जाती हैं और अलग अलग आ, देशों के साथ फिर खेल होते हैं और आपस में कॉम्पटिशन्स होते हैं टीम्स ऑफ सम स्पोर्ट्स ऑफ सम कंट्रीज़ आर वेरी पॉपुलर कुछ कंट्रीज़ के जो टीम्स हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं उसके बारे में अब हम यहाँ पढ़ेंगे पॉपुलर टीम्स क्रिकेट की कहाँ कहाँ की हैं ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका इंडिया श्रीलंका न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड एंड पाकिस्तान हॉकी के पॉपुलर टीम्स कहाँ के हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया मलेशिया पाकिस्तान बेल्जियम अर्जेंटीना, जापान, साउथ कोरिया एंड कनाडा पॉपुलर टीम्स फुटबॉल की कहाँ हैं ब्राज़ील इटली अर्जेंटीना, फ्रांस जर्मनी इंग्लैंड स्पेन हॉलैंड, जापान एंड यूएसए पॉपुलर प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड अब कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो पूरे विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध हो जाते हैं अपने खेल की वजह से जैसे इनमें कुछ पॉपुलर खिलाड़ियों के नाम हमें दिए हैं सेरेना विलियम्स टेनिस की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं रिकी पॉन्टिंग क्रिकेट के माइकल फिलिप्स स्विमिंग के ठीक है मेनी प्लेयर्स ऑफ डिफरेंट गेम्स आर पॉपुलर फॉर देयर ट्रेमेंडस स्किल्स एंड वंडरफुल रिकॉर्ड्स अपने बहुत अच्छे स्किल्स और बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स की वजह से कुछ खिलाड़ी पूरे विश्व में जो हैं वो प्रसिद्ध हो जाते हैं पॉपुलर प्लेयर्स ऑफ इंडिया के कुछ पॉपुलर प्लेयर्स यहाँ दिए हैं साइना नेहवाल इन बैडमिंटन विराट कोहली इन क्रिकेट जो अभी हमारी टीम के कैप्टन भी हैं महेश भूपति इन लॉन टेनिस ठीक है जेंडर थीरो ऑफ द वर्ल्ड अब जेंडर के बेसिस पे गेम्स में कैसे कुछ स्टीरो बने हुए हैं उसके बारे में हम इस चैप इस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं जेंडर इज बेसिकली पुटिंग डाउन बिकॉज बिकॉज ऑफ ऑफ हिज हिज ऑब्लिक हर जेंडर और नॉट बिलींग दैट ही और शी इज एबल टू डू समथिंग बिकॉज ही और शी इज इधर मेल और फीमेल अब जेंडर स्ट्योरेटैपिंग का मतलब क्या है कि किसी के जेंडर के हिसाब से यानी वो लड़का है या लड़की इस हिसाब से ये मान लेना कि ये तो ये गेम खेल ही नहीं सकते या ये ये गेम नहीं खेल सकता ठीक है तो इस हिसाब से जब लोग इस तरह की सोच बना लेते हैं इसे जेंडर स्टीरो कहा जाता है मैन एंड वीमेन हैव मैनी जेंडर रिलेटेड डिफरेंसेस स्पोर्ट्स और इवेंट्स आर एन एरिया वेयर जेंडर डिफरेंसेज एक्टेड टू विजिबल एक्सट्रीम जो आदमी औरत दोनों की जो है एबिलिटीज गेम्स के लिए अलग अलग होती हैं और स्पोर्ट्स में जो है ये डिफरेंसेस मतलब मान इंसानों में जो पुरुष और स्त्री में जो अंतर है वो काफ़ी हद तक है और ये हमें साफ तौर पे देखने को मिलता है ज़्यादातर आदमियों को लड़कों को जो है वो गेम्स की ओर बोला जाता है कि वो अच्छा खेल पाएंगे और लड़कियों को गेम्स में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है मैन जनरली कंपीट इन स्पोर्ट्स दैट रिक्वायर मसल एंड स्ट्रेंथ ऐसी गेम्स में मैन ही ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ लगती है पावर लगती है और वूमेंस को ऐसे स्पोर्ट्स में डाला जाता है जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी और फिटनेस की आवश्यकता हो हालांकि मेन और वुमेन दोनों ही हर तरह के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन इस तरह का एक स्टीरो हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है ठीक है तो ये आपका था कम्प्लीट चैप्टर आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छा लगा हो और आप सभी को चैप्टर अच्छी तरह क्लियर भी हुआ हो आप सभी चैप्टर को एक बार खुद जरूर रीड करें ठीक है स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो